टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको GST के अंतर्गत जो TDS काटना है उससे रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, GST एक्ट के अंतर्गत TDS किसे काटना है और किसे GST 7 में रिटर्न फाइल करनी है। इसके लिए आपको सेक्शन 51 को रेफर करना होगा CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि किन व्यक्तियों को GST एक्ट के अंतर्गत TDS काटना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट और डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और उन व्यक्तियों को जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करेगी, उन्हें GST एक्ट के अंतर्गत TDS काटना है। जो व्यक्ति यहाँ पे और नोटिफाई किए गए हैं इन तीन कैटेगरी के अलावा, जो कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में स्पेसिफाई किए गए हैं, इनके अलावा जो व्यक्ति स्पेसिफाई किए गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 सेंट्रल टैक्स के द्वारा, वह है कोई भी अथॉरिटी और बोर्ड जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा सेटअप की गई है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा सेटअप की गई है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, जहाँ पे के 51% या फिर उससे ज़्यादा का पार्टिसिपेशन है इक्विटी और कंट्रोल के द्वारा, या फिर जो सोसाइटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है या फिर लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इन सभी व्यक्तियों को GST एक्ट के अंतर्गत TDS काटना होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। GST 7 क्या है? GST 7 एक रिटर्न है जो कि उस व्यक्ति को फाइल करनी है जो कि GST एक्ट के अंतर्गत TDS काटेगा, यानी कि जैसे ही सप्लायर को पेमेंट की जाएगी या फिर क्रेडिट किया जाएगा उसका अमाउंट, उसमें से डायरेक्टर को TDS काटना है। तो जो डायरेक्टर होगा यानी कि टैक्स डायरेक्टर GST एक्ट के अंतर्गत, उसके कुछ लीगल ऑब्लिगेशन बनते हैं। एक तो यह है कि वह जो मंथली है अपनी GST 7 की रिटर्न को फाइल करेगा। दूसरा, जो TDS डिडक्ट किया गया है वो तीन मेजर हेड में वह जो है वो डिडक्ट कर सकता है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके बाद उसे अपनी रिटर्न को करेक्टली फाइल करना है, क्योंकि जैसे ही टैक्स डिडक्टर अपनी रिटर्न को फाइल करेगा उसके बाद ही सप्लायर यानी कि वह व्यक्ति जिसका कि TDS कटा है वह क्रेडिट क्लेम कर सकता है और उसके बाद टैक्स डिडक्टर डिडक्टी को यानी कि सप्लायर को TDS सर्टिफिकेट इशू करेगा। GST 7 की जो TDS की रिटर्न है वो कब फाइल करनी है? जो TDS की रिटर्न है GST एक्ट के अंतर्गत वो महीना ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक आपको फाइल करनी है GST 7 में। मैं GST 7 की रिटर्न कहाँ पे फाइल कर सकता हूँ? इसके लिए आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, सबसे टैब के अंदर रिटर्न्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, वहाँ पे जाके आप GST 7 की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। क्या GST 7 की रिटर्न को ऑफलाइन टूल के द्वारा भी फाइल किया जा सकता है? जी हाँ, आप GST 7 को ऑफलाइन मोड के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। क्या GST 7 को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है? जी हाँ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा GST 7 को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड भी कर सकती है। GST 7 को फाइल करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं? GST 7 को फाइल करने के लिए टैक्स डिडक्टर को GST पोर्टल पर एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्टर्ड होना होगा और उसके पास वैलिड और एक्टिव GST नंबर होना चाहिए। उसके पास वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा टैक्स डिडक्टर यदि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के द्वारा रिटर्न को फाइल कर रहा है तो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो एक्टिव होना चाहिए और नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। इसके अलावा टैक्स डिडक्टर ने सप्लायर के अकाउंट में या तो पेमेंट की हो या फिर अमाउंट क्रेडिट किया हो। मैं अपनी TDS की लाइबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज कर सकता हूँ? आप अपनी TDS की लाइबिलिटी को GST एक्ट के अंतर्गत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा ही डिस्चार्ज कर सकते हैं जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। जो TDS का क्रेडिट मैंने डिक्लेयर किया है, क्या डिडक्टी उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है? जी हाँ, डिडक्टी यानी कि वह सप्लायर जिसका कि आपने TDS काटा है उसे TDS की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होंगी और उसे उस डिटेल को एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। यानी कि जैसे ही आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे यह
डिटेल्स डिडक्टी को अवेलेबल हो जाएंगी। डिडक्टी को इनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है क्योंकि उसके बेस पर ही डिडक्टी का जो कैश लेजर है वो अपडेट होगा। डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट कब जाएगा? डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट तभी जाएगा जब वह जो टीडीएस की डिटेल है उसे एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि डिडक्टर जो रिटर्न फाइल करेगा उसके बेसिस पर डिटेल ऑटो पॉपुलेट होगी और उसके बाद उसे उस डिटेल को एक्सेप्ट करना होगा। यदि डिडक्टी के द्वारा टीडीएस की जो क्रेडिट एंट्री है वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो क्या होगा? यदि डिडक्टी के द्वारा टीडीएस की क्रेडिट एंट्री को रिजेक्ट कर दिया जाता है यानी कि सप्लायर के द्वारा, तो उस केस में यह डिटेल जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी जीएसटी 7 के टेबल 4 में, जहाँ पे के डिडक्टर को यह डिटेल अमेंड करनी होगी। वह नेक्स्ट टैक्स पीरियड में इस डिटेल को अमेंड कर सकता है। करेक्शन के बाद जीएसटी 7 में यह डिटेल ऑटोमेटिकली सप्लायर को जो है वो चली जाएगी ताकि वह इसे दोबारा से एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। यह प्रोसेस तब तक रिपीट किया जाएगा जब तक कि जो दूसरी पार्टी है यानी कि सप्लायर है इस डिटेल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। क्या मुझे जीएसटी 7 को तब भी फाइल करना होगा यदि मैं किसी टैक्स पीरियड में कोई टीडीएस नहीं काटता हूँ? जी नहीं, जीएसटी 7 को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि यदि आपने किसी टैक्स पीरियड में कोई टीडीएस नहीं काटा है तो उस केस में आपको जीएसटी 7 की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी 7 को कैसे साइन किया जा सकता है? जीएसटी 7 को आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी पोर्टल पैन बेस्ड क्लास 2 और क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ही एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो उस केस में वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी पोर्टल पर, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल की थी उसके पार्ट ए में जो ऑथराइज सिग्नेटरी का मोबाइल नंबर है वहाँ पे ये वन टाइम पासवर्ड जाएगा जिसके द्वारा कि आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न को वैलिडेट करना होगा। क्या मैं जीएसटी 7 की रिटर्न को फाइल करने से पहले प्रीव्यू कर सकता हूँ? जी हाँ, आप जीएसटी 7 का प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी 7 बटन पर क्लिक करना होगा जीएसटी पोर्टल पर। यदि जीएसटी 7 को फाइल कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा? यदि आप जीएसटी 7 को फाइल कर देते हैं तो उस केस में एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट होगा कि आपने जीएसटी 7 की रिटर्न को फाइल कर दिया है। इसके अलावा एक एसएमएस और ईमेल भी भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और ईमेल आईडी पे। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्स सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।